तो अब आप पढ़ेंगे हमारे साथ 7.2, 7.1 का ही 7.1.1 उपलब्धता, कि उपलब्ध ये सब कहाँ रहते हैं, तो एनसीईआरटी क्या सब लिखा है इसके बारे में हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आपको याद होता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे 7.1.1 है और यह है टॉपिक उपलब्धता। उपलब्धता, उपलब्धता में क्या है, उपलब्धता में पहला लाइन लिखा है कि वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। तो ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन, नाइट्रोजन का आयतन कितना प्रतिशत है, तो 78% है। भूपर्पटीय के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भूपर्पटीय के खनिजों में, भूपर्पटीय के खनिजों में सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर या चिली सोरा तथा पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब आएगा फास्फोरस कहां पाया जाएगा, तो लिखेंगे एपेटाइट वर्ग के खनिजों, एपेटाइट वर्ग के खनिजों। अब एपेटाइट का फॉर्मूला देखिए, एनसीईआरटी लिखा है Ca9PO4 का होल 6 CaX2, जहां X का मान रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन अथवा OH। तो लिखेंगे फॉर्मूला एपेटाइट का Ca9PO4 का होल 6 CaX2, जहां X बराबर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। जैसे अगर हमें लिखना है,
फ्लोरो एपेटाइट, तो इसका फॉर्मूला होगा Ca9PO4 का होल 6 CaF2। जो कि फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटक होते हैं। फास्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। और यहां पर लिख लेंगे एक पॉइंट में, खाली स्थान है, फास्फोरस यह अस्थियों एवं जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फॉस्फोप्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? तो दूध में होता है और अंडा में होता है। ये जो है सल्फाइड खनिज में कौन होता है? सल्फाइड खनिज में होगा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसा होता है। पहले लिख लें, अब मेरा काम है इसको याद कराना, आपको समझाना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए लिख लिए, तो देखिए अभी हम पूछेंगे कि 7.1.1 में कौन सा टॉपिक है, तो आप बोलेंगे उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है कि यह कहां कहां पर उपलब्ध है। तो पूछेगा, बताइएगा कि यह वायुमंडल में उपलब्ध है,
तो वायुमंडल में सबसे पहला आता है नाइट्रोजन का, जो कि ग्रुप 15 का है। नाइट्रोजन का आयतन हम पूछेंगे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है 78%। भूपर्पटी जो के खनिजों में हम पूछेंगे नाइट्रोजन हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सोडियम नाइट्रेट से। सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर जिसको कि हम लोग NaNO3 का फॉर्मूला जानते हैं, और पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। और इसको पोटासियम नाइट्रेट का नाम है, दूसरा नाम इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर बताएंगे। और हम पूछेंगे हम नाइट्रोजन कहाँ में पाया जाता है, तो बोलिएगा प्रोटीन में पाया जाता है। और प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, तो जीव में मिलेगा और वनस्पति में मिलेगा। कहाँ मिलेगा प्रोटीन, तो जीव में मिलेगा और वनस्पति में मिलेगा। अब आता है दूसरा पॉइंट, वह है फास्फोरस। फास्फोरस में हम पूछेंगे तो बोलिएगा एपेटाइट वर्ग में फास्फोरस मिलता है, एपेटाइट वर्ग के खनिजों में मिलता है। तो एपेटाइट वर्ग के खनिजों का फॉर्मूला हम आपसे पूछेंगे, तो आप बोलिएगा Ca9PO4 का होल 6 CaX2, जहां पर वेयर जहां X जो होगा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा और हाइड्रोक्साइड होगा। हम बोलेंगे तो इसके जगह पर अगर फ्लोरीन रख दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट का मतलब हो गया X के जगह पर आप फ्लोरीन रख देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया Ca9PO4 का होल 6 CaF2, जो कि फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक हैं। कौन से चट्टानों के, तो फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक। अब फास्फोरस प्राणियों में भी और पादप पदार्थों का भी आवश्यक अवयव है। हम पूछेंगे फास्फोरस किसका आवश्यक अवयव है, तो आप बोलेंगे प्राणियों का पहला या और दूसरा पादपों का, दोनों का। और हम पूछेंगे फास्फोरस कहाँ पाया जाएगा, तो बोलिएगा अस्थियों में और जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फॉस्फोप्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो बोलिएगा पहला दूध में और दूसरा अंडा में। जबकि आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत कहाँ मिलेगा, तो बोलिएगा सल्फाइड खनिज में। तो तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन? वेरी गुड। बताइए कि 7.1.1 में कौन सा टॉपिक एनसीईआरटी कहता है पढ़ने के लिए? उपलब्धता, जिसमें वायुमंडल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन का आयतन होता है? 78%। वेरी गुड। और भूपर्पटी में खनिजों का, भूपर्पटी में खनिजों में कौन सा चीज पाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर या चिली सोडा उसे कहेंगे। और पोटासियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है? इंडियन साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर किसे कहेंगे? चिली साल्ट पीटर किसे कहेंगे? सोडियम नाइट्रेट को। और इंडियन साल्ट पीटर किसे कहेंगे? पोटासियम नाइट्रेट को। वेरी गुड, पोटासियम नाइट्रेट को। और इस ये जो प्रोटीन में पाया जाता है किसमें किसमें? जीवों में और पादपों में। जीवों में और पादपों में। तो ये नाइट्रोजन का कंसेप्ट था यहाँ से यहाँ तक। अब हम फास्फोरस का कंसेप्ट बताएंगे, तो यह किस प्रकार के खनिजों में पाया जाएगा? एपेटाइट वर्ग के खनिजों में, जिसका फॉर्मूला क्या है? C9,
वेरी गुड, सी ए नाइन पी ओ फोर का होल सिक्स और सी ए एक्स टू, जहां पर एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा फ्लोरीन क्लोरीन और ओ एच हाइड्रोक्साइड। अगर हमें फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला बताना है तो क्या पढ़ेंगे, सी ए नाइन पी ओ फोर का होल सिक्स और सी ए एफ टू फ्लोरोएपेटाइट, जो कि कहां पाया जाता है, फॉस्फेट के चट्टानों में। और फास्फोरस कहां पाया जाता है, यह किसका आवश्यक अवयव होता है, और फास्फोरस हमें कहां मिलेगा, कहां उपस्थित होता है, हड्डियों में अस्थियों में। फास्फोप्रोटीन कहां कहां मिलेगा, दूध और अंडा में। और आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ हमें कहां मिलेंगे, और अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उपलब्धता, और वह टॉपिक है पी ब्लॉक चैप्टर का। तो आपका यह कंसेप्ट पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, जिसमें हमने आपको बताया कि पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, उसमें कौन कौन से धातु हैं अधातु हैं और वह कहां कहां मिलेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में जो सब मुख्य पॉइंट है उन सभी को हम डिस्कस किए हैं, और उतना ही हम अभी इस क्लास में डिस्कस करना चाहते भी हैं। तो थैंक यू फॉर डूइंग लाइव क्लासेस फ्रॉम पटना ऑन द टॉपिक ऑफ पी ब्लॉक फॉर द 12th एंड ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल and everything which you are preparing.